देश की मस्जिदों को लेकर विवाद क्यों? पहले ज्ञानवापी, फिर ताजमहल और अब कुतुब मीनार। क्या और भी मस्जिदों को लेकर हो सकता है बवाल? और कितनी मस्जिद जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाने का दावा? अयोध्या में दशकों से चले आ रहे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का अंत हुआ तो अब ऐसे ही कई नए विवादों ने जन्म ले लिया है। ऐसे कई नए विवाद खड़े हो गए हैं जिनको लेकर दावा किया गया है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। फिर चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो या फिर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद या फिर अब ताजमहल या फिर दिल्ली का कुतुब मीनार भी, एक के बाद एक नए नए विवाद जन्म लेते जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का फैसला आने से एक साल पहले मार्च साल 2018 में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने उन विवादित मस्जिदों के स्थलों को हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप है। अचंभे की बात यह है कि इसी तरह की कई और मस्जिद बनाए जाने के दावे किए गए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मस्जिद है जिनको लेकर ऐसा कोई विवाद है, चलिए जानते हैं। बाबरी मस्जिद। ढाई साल पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर आए फैसले के बाद विवाद खत्म हो गया था। कई सौ साल से जारी इस विवाद पर 9 नवंबर 2019 को ब्रेक लग गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के फेवर में सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला लिया। साल 1528 में यहां बनी बाबरी मस्जिद को 1992 में कार सेवकों ने ढहा दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है ज्ञानवापी मस्जिद जिसको लेकर सैकड़ों साल से विवाद जारी है। साल 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। यहां से मस्जिद को हटाए जाने को लेकर पहली याचिका साल 1991 में दाखिल की गई थी। 2019 में मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जो अभी भी अदालत में लंबित है। पिछले साल 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर में रोजाना श्रृंगार देवी की पूजा करने की मांग की याचिका डाली थी जिस पर सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के आदेश भी जारी कर दिए गए लेकिन 6 मई को सर्वे नहीं होने दिया गया। शाही ईदगाह मथुरा, उत्तर प्रदेश। अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आते ही मथुरा की शाही ईदगाह का मुद्दा उठ गया था जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटी हुई है। इस ईदगाह को लेकर मान्यता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था। शाही ईदगाह विवाद में अब तक क्या क्या। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली थी। ये ट्रस्ट साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और साल 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का हक ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई है। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश।
दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने साल 1632 में शुरू करवाया था, जो कि साल 1653 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन ताजमहल के अंदर जो मुमताज का प्रसिद्ध मकबरा है, उसको लेकर अभी हाल ही के वर्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि शाहजहां ने तेजो महल नाम के भगवान शिव के मंदिर को तोड़वाकर वहां ताजमहल बना दिया। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों को खोले जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। ये याचिका बीजेपी के अयोध्या के मीडिया इंचार्ज रजनीश सिंह ने दाखिल की है। कमल मौला मस्जिद, धार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार में एक कमल मौला मस्जिद है, जिसका विवादों से पुराना नाता है। हिंदू इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादत गाह बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण हिंदू राजा भोज ने साल 1034 में करवाया था। इस पर पहले 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, फिर मुस्लिम सम्राट दिलावर खान ने यहां स्थित विजय मंदिर को नष्ट करके सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलना चाहा। फिर महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा करते हुए वहां कमल मौलाना मकबरा बना दिया। साल 1997 में पहले हिंदुओं ने यहाँ पूजा की, जबकि सिर्फ दर्शन की इजाजत थी। अब ये ASI की देखरेख में है। अब यहाँ हिंदुओं को हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा करने और मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। यहाँ साल 2006, 2013 और 2016 को शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी पढ़ने पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। ये वही है जो कुतुब मीनार से जुड़ा विवाद है। दिल्ली की पहली शुक्रवार मस्जिद देश की प्रमुख धरोहरों में से एक कुतुब मीनार के अंदर है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मान्यता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने दावा किया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। इस मामले में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया है, इसलिए उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इस मस्जिद में पिछले 800 साल से नमाज अदा नहीं की गई है। बीजा मंडल मस्जिद, विदिशा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद रहा है। माना जाता है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं के बनाए गए चर्चिका देवी के मंदिर को नष्ट करके किया गया था। यहाँ पर मौजूद एक खंबे पर लगे शिलालेख में बताया गया है कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है, जो विजय की देवी मानी जाती है। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था और फिर 11वीं सदी में चर्चिका देवी के भक्त परमार वंश और मालवा के राजा नरावर्मन ने विजया देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। मान्यता है कि 1658 से 1707 के दौरान औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसे लूटा और नष्ट कर दिया। उसने मंदिर के उत्तरी तरफ मौजूद सभी मूर्तियों को दफना कर इसे मस्जिद में बदल दिया। जामा मस्जिद, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद रहा है। मान्यता है कि मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया। अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा था। भद्रकाली मंदिर का निर्माण मालवा पर 9वीं से 14वीं सदी तक राज करने वाले राजपूत परमार राजाओं ने कराया था। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है, उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। जामा मस्जिद की जगह यहाँ पहले मंदिर होने का दावा करने वालों का तर्क है कि इस मस्जिद के ज्यादातर खम्बे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसके कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित, नाग, नर्तकियों, घंटियों आदि की नक्काशी की गई है, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में नजर आते हैं। साथ ही इसके हाल के कई खंभे बने हैं, जो कि आम तौर पर मंदिरों की पहचान। अटाला मस्जिद, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी के जौनपुर जिले में स्थित अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी रही है। इस मस्जिद का निर्माण साल 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। मान्यता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर वहां अटाला मस्जिद बनाई थी।
अटाला देवी मंदिर का निर्माण गढ़ावला के राजा विजय चंद्र ने कराया था। अदीना मस्जिद मालदा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण 1358 से 90 के बीच में सिकंदर शाह ने कराया था। मान्यता है कि सिकंदर शाह ने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। वहां मंदिर होने का दावा करने वालों का तर्क है कि अदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल के डिजाइन। जामी मस्जिद पाटन गुजरात। गुजरात के पाटन जिले में स्थित जामी मस्जिद को लेकर विवाद अक्सर उठता रहा है। मान्यता है कि इस मस्जिद को यहां बने रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा भी मानना है कि रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया था। बाद में अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के कुछ हिस्से को जामी मस्जिद में बदल दिया था। अब जो सामने है वो सामने है, लेकिन देश की इन सभी मस्जिदों से जुड़े बड़े बड़े विवाद हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और अब एक एक कर ये दावे और बड़े होते जा रहे हैं। इन मस्जिदों से जुड़ी पुरानी कहानियों को आधार मानकर लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। मस्जिदों को लेकर जो दावे किए गए हैं उन्हें उनके ओरिजिनल रूप में वापस करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका पर याचिका डाली जा रही है। अभी तो फिलहाल ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। वैसे आपका मस्जिदों से जुड़े इन विवादों को लेकर क्या कुछ कहना है, अपने विचार हमें जरूर बताएं।